लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड कहा जाने वाला एक गैंगस्टर है जिसका नाम है संपत नेहरा। आज उस संपत नेहरा को लेकर एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। संपत नेहरा के बारे में सबसे पहले हम आपसे बताएं, खबर के बारे में बाद में बताएंगे। संपत नेहरा दरअसल राजस्थान के चूरू जिले का रहने वाला है और ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मैनेजर भी कहा जाता है। और लॉरेंस बिश्नोई अब तक जिन जिन कांडों को करता है, संपत नेहरा उसमें शामिल भी रहता है। जैसे दो मूसेवाला की हत्या हो, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हो, या फिर और भी जितने हम बड़े कांडों को देखें, इन सब में संपत नेहरा का नाम सामने आता है। और राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के विस्तार की जब बात होती है तो संपत नेहरा ही है वो ऐसा शख्स जिसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को राजस्थान में बढ़ाने में, फैलाने में कहीं ना कहीं इसकी भूमिका ज़्यादा रही है। लेकिन इससे इतर हम देखते हैं सोशल मीडिया पर संपत नेहरा को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। अब संपत नेहरा को लेकर पहले भी हम बहुत बार खबर आपसे बता चुके हैं। संपत नेहरा दरअसल जिस दुश्मन को मारने जाता है, चाहे वो कोई भी हो, लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन हो, वो दुश्मन को तो मारता ही है, मारने के बाद जब कोर्ट में गवाही होती है तो अक्सर कई बार देखा जाता है कि गवाह संपत नेहरा के चेहरे को देखकर मुकर जाता है और वो उस वक्त अपना बयान कोर्ट में बदल देता है कि नहीं भाई, हम जिसके खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं या जिसे हमने उस वक्त देखा था वो कोई और था, संपत नेहरा नहीं था। संपत नेहरा वही है जिसने सलमान खान को भी मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर मुंबई का रुख किया था और उसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब देखिए, आज संपत नेहरा को लेकर जो खबर सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि संपत नेहरा दरअसल जो मौजूदा वक्त में चंडीगढ़ के जेल में बंद है, वहाँ पर एक मामले की सुनवाई चल रही थी। ये मामला दरअसल आज से करीब 6 साल पहले, 5 से 6 साल पहले, साल 2017 का है, जब चंडीगढ़ का ही एक व्यापारी होता है, वो कहीं जाता है अपनी स्कॉर्पियो कार से, रास्ते में अचानक काली शूटर, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है, काली शूटर के साथ 3-4 बदमाश और होते हैं, वो उस व्यापारी का पहले अपहरण करते हैं, किडनैप करते हैं, उठाते हैं उसे और फिर 1-2 घंटे बाद उसे एक सुनसान जगह पर फेंक देते हैं। बाद में उसे फ़ोन करके रंगदारी की डिमांड की जाती है, कहा जाता है कि 2 लाख रुपये जब तू वापस देगा तब हम तुम्हें तेरी गाड़ी वापस करेंगे। इसके बाद संपत नेहरा पुलिस वो व्यापारी जो है वो पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करवाता है कि काली शूटर, उसके साथ 4 और लोग थे, ये लोग हमारे साथ ऐसा ऐसा करके हमारी गाड़ी छीन कर भाग चुके हैं और 2 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे हैं, और 2 लाख रुपए अगर मैं नहीं देता हूँ तो संपत नेहरा हमें और हमारे पूरे परिवार को जान से मार देगा। इसके बाद संपत नेहरा का फ़ोन उसी व्यापारी के पास करीब 1 साल के बाद जाता है। 1 साल बाद संपत नेहरा फिर कहता है कि तू कोर्ट में गवाही देने मत जा, और जब तू अगर कोर्ट में गवाही देने जाएगा तो उस तरह की धमकियां उसे एक बार फिर से दी जाती हैं, जैसा हम फिल्मों में भी देखते हैं, कहानियों में भी सुनते हैं, कोई भी हम थ्रिलर वेब सीरीज भी देख रहे हैं वहाँ भी हम ऐसी कहानियाँ सुनते हैं। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये सच्चाई है। इसी केस में जब FIR हुआ, संपत नेहरा का भी नाम उसमें सामने आया, काली शूटर संपत नेहरा और उसके गैंग के बहुत सारे लोग जो उस वक्त इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व थे। अब परसों इस मामले की जब सुनवाई चंडीगढ़ के कोर्ट में चल रही थी तो जब उस पीड़ित व्यक्ति को बुलाया गया जिसका नाम आलम बताया जा रहा है, उसके सामने संपत नेहरा को खड़ा किया गया तो वो पीड़ित व्यक्ति आलम ये कहकर मुकर गया कि जिस व्यक्ति के खिलाफ मैंने गवाही देने जा रहा हूँ मैं, ये वो व्यक्ति नहीं है। यानी संपत नेहरा ने मुझे कोई फ़ोन नहीं किया था, ना ही किसी तरह से मेरी गाड़ी छीनने की कोशिश की गई थी और ना ही मुझे जान से मारने की धमकी दी गई थी। ये संपत नेहरा की तरफ से अब बयान दर्ज किया गया है, जिसके बाद संपत नेहरा एक बार फिर से वैसे ही बरी हो गया जैसे और मामलों में वो हमेशा से बरी होता आया है। देखिए, संपत नेहरा बरी तो हो गया और हम सोशल मीडिया पर देखते हैं बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि संपत नेहरा साधु आदमी है वगैरह वगैरह, बहुत सारी ऐसी बातें कही जाती हैं। लेकिन संपत नेहरा दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड भी कहा जाता है, गैंग का मैनेजर भी कहा जाता है और कई सारे कांडों को संपत नेहरा अंजाम पे दे चुका है। लेकिन इससे इतर जो खबर के अंदर की खबर है, जिस पर आपको फोकस करना चाहिए कि संपत नेहरा दरअसल अपने धौस से या फिर जो भी समझिए आप, उससे लोगों को डरा कर रखता है और वो जेल के अंदर रहे या फिर बाहर रहे, उसके खिलाफ गवाह ऐसे ही मुकर जाते हैं। अब संपत नेहरा के खिलाफ गवाही देने के मुकरने के बाद
संपत नेहरा के तरफ से जो कोर्ट में वकील पेश हुए थे, उन्होंने बाकायदा कोर्ट में ये कहा है कि हमारे मुवक्किल को जबरन इस पूरे मामले में फंसाया गया है। और पीड़ित व्यक्ति ने कोर्ट में ये बातें भी कही हैं कि जब पुलिस मेरा बयान लिखवाने आई तो मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने कुछ नहीं कहा। उस वक्त जो उसका बयान था, जो FIR उसने दर्ज करवाई थी, वो अंग्रेज़ी में लिखी हुई थी, जबकि उसे अंग्रेज़ी पढ़नी और समझनी बोलनी कुछ भी नहीं आती है। उसने सिर्फ और सिर्फ दस्तखत किए थे और पुलिस वालों ने दस्तखत करवाए थे। संपत नेहरा के वकील ने चंडीगढ़ के कोर्ट में ये कहा है कि जिस व्यक्ति ने इस पीड़ित व्यक्ति यानी आलम को फ़ोन किया था, वो संपत नेहरा नहीं था, बल्कि पुलिस ने उस व्यक्ति की जांच पड़ताल ही नहीं की और संपत नेहरा का नाम इसमें जबरन ठोस दिया गया। देखिए, अब कोर्ट से संपत नेहरा बरी हो चुका है, संपत नेहरा जेल से बाहर आएगा कि नहीं आएगा और केसों में तो नहीं कह सकते, लेकिन इस मामले में बरी हो चुका है। लेकिन अब देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि संपत नेहरा हो या फिर लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर इनके जो हम शूटरों की बात करते हैं, चाहे हम दिल्ली तक आएँ, काला जछेड़ी, काला राणा, बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर हैं, इनके खिलाफ़ गवाही दरअसल कोई देता क्यों नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को अपनी जान का डर सताता है, और जिस तरह से संपत नेहरा का भी इतिहास रहा है, लॉरेंस बिश्नोई का भी इतिहास रहा है, उसे देखकर ये कहना कि संपत नेहरा के खिलाफ गवाही कोई भी व्यक्ति हिम्मत करके अगर देने जाता भी है तो वहाँ पर जाकर मुकर जाता है, जिसके बाद संपत नेहरा जैसे गैंगस्टरों की जो है उनका जो हौसला होता है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल आप इस खबर पर क्या कहेंगे बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF News। नमस्कार, जय हिंद।